की चीजें हमारे पास है। एक पहले तो आपके आज चार साल मुकम्मिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने इस वजह से नवाजा उनको, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। दूसरे सबसे बड़ा बोल्ड डिसीजन प्रपोजल एजेंडा पेश करने वाली शख्सियत जो सीए के खिलाफ पहले शख्स काउंसिल में उठ के सीए के खिलाफ आप पेश करें, उसके बाद साबिका मेर साहब बोले पहले आप, इसी को नहीं मालूम था, पहले उठ के हिन्दुस्तान के हालात के ऊपर, मुल्क के हालात के ऊपर, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर बोले, ये बहुत बड़ा कारनामा रहा। तीसरी क्या है वो तो खवातीन की जो आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर जोनल कमिश्नर को सख्त हिदायत देकर, क्योंकि आखिरी मुल्क साहब लास्ट स्टेज पे कमजोर बिल्कुल ऐसा हो गए थे, बिल्कुल ये चीजा नहीं हो रहे। उसके बाद एक दिन पहले आपका दौरा हुआ, उसके बाद रात के रात तीन घंटे में वहां पर पूरा काम, लाइट की रोशनी, अल्लाह के फजल करम से मदरसे पे एक 80,000, 90,000, 1,00,000 का बिल जो बोझ पड़ने आ रहा था आपकी तरफ से हुआ। और आपको, क्योंकि आप लोग मुफक्किर इस्लाम है, आप दानिश्वरान मिल्लत है, आपको एक और एक खुसूस मैं जो देखा हूं साहब, टीआरएस हुकूमत जब से आई, तेलंगाना अलग हुआ, ये वाहिद शख्सियत है, सामने तारीफ नहीं कर रहा हूं, लोगों के सामने भी बोला हूं और आप लोगों के सामने मीडिया को भी जाता हूं, क्योंकि आपने इतने लोगों को देखा, कई लोग नहीं बने, लेकिन वाहिद शख्सियत है जो एक कम्युनिटी हाल को तुरेबाज खान के नाम से कमेटी हाल बनाई, कहां पर बोरामंडी में, बाद अपना फोटो के साथ अप्रूवल जीएचएमसी में लेके वहां पर बनाए। और आप खुद देखे होंगे लंगारोस की दरगाह का क्या था, वो बुजुर्ग हस्ती का, अब आज जाके देखिए और वहां के मुतवल्ली से पूछ लीजिए आप, आज दरगाह को जो हरियाली, जो गेट जालिया आने का खूबसूरत तरीन रास्ता बनाने वाली शख्सियत का नाम ही बाबा फरीद है। यहां नहीं, दरगाह सुफेन में वक्फ बोर्ड जरूरत नहीं कर रहा, मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं, रुकन हूं, उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड नहीं कर रहा, बल्कि आप लेके वहां पर आज अल्लाह के फजल से बेहतरीन अंदाज में कितने लागत का काम है, हमें को 18 लाख 20 लाख की लागत से वहां पर बन रहा, आप भी गवाह है, तोड़ दिए बना रहे आप, क्योंकि आप रोज जाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, गवाह है, वहां पर टॉयलेट कोई किसी का फंड नहीं है, खुद आपके जुस्तजू की आपकी देखे तो आपका एरिया नहीं आता। आप बुजुर्गाने दीन को बहुत ज्यादा अकीदत के साथ मानते हैं और सुनियत के बहुत ज्यादा हुआ है, आप बोरामंडी में भी हर महीने की 11 तारीख को बड़े पैमाने पे एक दरबार लगता जहां पर तकरीबन 100 लोग खाना खा के सहराब होके जाते हैं, हर महीने की 11 तारीख, हर महीने की 11 और हर जुमेरात को बुजुर्गाने दिन पर हाजिरी देके दुआएं लेके निकलते हैं वहां से, तो हर दिन बोलो साल जुमेरात को, रमजान हो या ईद का दिन हो, कुछ भी हो, हर जुमेरात आप खुद एक बार कभी बोलिए अहमद साहब से, आपको एक बार देख लीजिए जाके जुमेरात, तो ये चीज है। अब आने वाला फ्यूचर, क्योंकि आप मक्का हमारे रियासत की बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं, तो इसलिए आपकी दुआएं और आपकी सरपरस्ती आज एक खुशी का मौका है। ये सब चीजों के लिए मैं तमाम लोगों को यहाँ पर मधु किया था, मैं मुफ्ती साहब से भी ख्वाहिश करूंगा चार अल्फाज इस्तेमाल।